हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्टिक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने फैक्टिक 14 के नोटिफिकेशंस या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। तो गाइस, जैसा आप देख सकते हो मेरे सामने अभी एक मिनी ड्रोन है। ये फोल्डेबल ड्रोन नहीं है बल्कि फिक्स ड्रोन है। इसके जो विंग्स है इसे आप बेंड नहीं कर सकते हो, ये बिल्कुल इसी तरह से आपको मिलता है। इसका जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो मेरे चैनल पर है, आप जाकर उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर इस तरह का जो मिनी ड्रोन है ये कितना मजबूत रहता है। ये आपका प्लास्टिक से बना हुआ है, काफी लाइटवेट प्लास्टिक है। लाइटवेट इसलिए है क्योंकि ये फ्लाइंग करेगा ऑब्वियसली, तो इसे लाइटवेट होना ही पड़ेगा। लेकिन ये कितना मजबूत है वही आज हम चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। गाइज, मैं आपको एक चीज क्लियरली बता देता हूँ, ये जो ड्रोन आप देख रहे हो ये खराब हो चुका है। इसका जो आईसी है वो जल चुका है और इसका बैटरी जो है वो कम्प्लीटली फूल चुका है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूँ, इसे मैंने बहुत पहले खरीदा था और लगभग हर रोज मैं इसे फ्लाई करता था, तो जितना पैसा मुझे लगा था इसे खरीदने में उतना तो मेरा वसूल हो चुका है। अब ये खराब हो चुका है, अब अगर मैं इसे रिपेयर करता हूँ तो मेरे को उतना ही मतलब मनी लगेगा जितना इसको खरीदने में लगा था। इसीलिए मैं आज का ये वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाए कि इस तरह के ड्रोन कितने मजबूत होते हैं। लेकिन आपके पास अगर ये वाला ड्रोन है और ये वर्किंग कंडीशन में है तो आप इस तरह की चीजों को बिल्कुल ना कीजिएगा। तो चलिए इसका जो मजबूती है वो हम चेक करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले सबसे पहले आप देख लीजिए कितना छोटा और बहुत ही लाइटवेट ड्रोन है। अब हम क्या करते हैं, इसको पकड़ के नीचे पटकते हैं और देखते हैं ये कब तक सह पाता है। इसे पटकते हैं, फिर से पटकते हैं, इसे पटकते हैं गाइस, फिर से पटकते हैं। तो अभी जैसा आप देख सकते हो यहां पर इसका जो प्रोपेलर गार्ड है वो अभी थोड़ा सा टूट चुका है, लेकिन बाकी के जो तीन है वो अभी भी परफेक्ट है, यानी मजबूत तो है। भले ही ये प्लास्टिक से बना हुआ है लेकिन फिर भी मजबूत है। और थोड़ा इसको पटकते हैं, जैसा आप देख सकते हो इसका एक छोटा सा जो विंग है वो टूट चुका है। फिर से इसको पटकते हैं, अभी यहां पर देख सकते हो ये थोड़ा सा यहां पर टूटना शुरू हो चुका है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत जोर से मैं इसे नीचे पटक रहा हूं तब जाकर ये टूट रहा है। फिर से एक बार पटकते हैं, फिर से पटकते हैं गाइस, जैसा आप देख सकते हो यहां पर इसका थोड़ा सा और टूट गया है। ये टूटा नहीं है अभी तक, ये टूट चुका है, ये भी टूटा नहीं है। एक बार और लास्ट टाइम इसको पटकते हैं नीचे, जैसा आप देख सकते हो कितनी बार पटकने के बाद बस ये थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसका टूटा है। अब इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हम देखते हैं। मेरे पास एक हैमर टाइप का छोटा सा है, देखते हैं टूटता है या नहीं। ये सब चीजें आप घर में करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस वीडियो देखिए। जैसा देख रहे हो इतनी बार पटक रहा हूं लेकिन फिर भी ये फ्लेक्सिबल, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। लेकिन फिर भी इसको पटकते हैं और देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो इतनी बार मारने के बाद यहां पर थोड़ा थोड़ा अभी टूटने लगा है। मैं कोशिश करता हूं पीछे से भी एक दो बार मारूं। ये देखिए ये यहाँ पे टूट गया एक ही बार में। यहाँ पे देखते हैं ये भी कम्प्लीटली टूट गया, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया गाइस। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, काफ़ी फ्लेक्सिबल है और बहुत ड्यूरेबल ड्रोन है ये। इतनी बार मारने के बाद भी अभी तक खड़ा है। इसका जो परचेज लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसे अभी हम बीच से खोल देते हैं और देखते हैं। जैसा आप देख सकते हो गाइज, ड्रोन पूरा खुल चुका है और बर्बाद भी हो चुका है। ये इसका कंप्लीट आईसी सर्किट है। इसमें यहाँ पर इसका चार्जर दिया जाता है, यहाँ पे देख सकते हो इसी में हम लोग का बैटरी लगता है। मैं इसे खींच लेता हूँ। तो बस ये छोटा सा चीज़ जो है जो इसके चार रोटर को पावर सप्लाई करता है। मैं कोशिश करता हूँ पास से दिखा पाऊँ। जैसा आप देख सकते हो गाइज, सिर्फ यही छोटा सा आईसी सर्किट कंप्लीट
ड्रोन को पावर देता है, और ऑब्वियसली इसका बैटरी रहता है, लेकिन बैटरी भी इसका फूल चुका है, ख़राब हो चुका है। ये इसके छोटे छोटे मोटर्स हैं जैसे आप देख सकते हो। तो गाइज़ इतना तोड़ने के बाद, इतना फोड़ने के बाद इसका कुछ हाल ऐसा हुआ है। तो मैं आपको एक चीज़ तो कह सकता हूँ, इस तरह के जो सस्ते और बिगिनर्स ड्रोन रहते हैं वो भी काफ़ी मजबूत रहते हैं। आप इस तरह के ड्रोन को फ्लाई करने के लिए, मतलब सीखने के लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई कैमरा वैमरा आपको नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ सीखने पर्पज़ के लिए आप इस तरह के ड्रोन्स को यूज़ कीजिए। एक बार जब आपका हैंड फ्री हो जाए, आप अच्छे से ड्रोन को फ्लाई कर सको, तब आप महंगे ड्रोन्स को जाइए। तो इस वीडियो का बस यही तात्पर्य है कि जैसा आप देख सकते हो, भले ही ये आपको बहुत ईजिली कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट मिल जाए और सस्ते में मिल जाए, लेकिन फिर भी इसका मजबूती काफ़ी ज़्यादा रहता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप देख सकते हो, फिर भी मतलब पूरा कंप्लीटली टूटा नहीं है, बहुत मेहनत करके इसे मैंने तोड़ा है। तो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोस के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।